प्लांटेशन ड्राइव के तहत आज केंद्रीय विद्यालय गोड्डा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से जिला वन पदाधिकारी मौन प्रकाश उपस्थित रहे। वहीं जिला वन पदाधिकारी के लिए बच्चों द्वारा छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत में बच्चों ने स्वागत गीत गाकर की। साथ ही विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला वन पदाधिकारी मौन प्रकाश को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों से जिला वन पदाधिकारी ने संवाद भी किया, जिसमें बच्चों ने फॉरेस्ट फायर और फॉरेस्ट से जुड़ी कई सवाल भी पूछे। आखिर में विद्यालय परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए और जिला वन पदाधिकारी ने लोगों से अपील भी की कि सभी लोग अपने आसपास वृक्ष लगाएं और जितने भी वृक्ष की जरूरत हो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने वृक्ष होने के कई फायदे भी बताए। सर, किस उद्देश्य को लेकर आज केंद्रीय विद्यालय आना हुआ? हाँ, विद्यालय में बच्चों के द्वारा बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। वो लोग प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि गोड्डा जिले के बाकी सभी स्कूल और समाज के सभी जागरूक लोग ऐसा प्लांटेशन ड्राइव करें। इनके द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काफ़ी जो भी लोग करेंगे उनको भी सहयोग किया जाएगा, इनको भी सहयोग किया गया। पौधे लगवाने से उपलब्ध कराने से लेकर डिग पिटिंग से लेकर सब पिट का डिगिंग करने से लेकर सारा कार्य कराया गया और बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच में आकर। बच्चों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हम सब लोगों को मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है कि भविष्य हमारा स्टेक पे, सब लोग हाथ बटाएं। बच्चों ने जिम्मेदारी खुद उठा ली है तो आई एम श्योर कि गोड्डा को जरूर ग्रीन और क्लीन और एक उसका फ्यूचर सिक्योर करने में जरूर सहयोग मिलेगा। We can definitely hold that progress of temperature. They may not be so hot. Like it is predicted that it will be hot, but what we can do to reverse this? Plant more and more trees, right? So you are told about environment. It's not a big science. It's a very simple thing. Your mothers, your grandmothers, your grandfather, they used to know about it so well. They always used to plant the tree. They never used to waste the things. क्या आप भी 10th के बाद 12th करने के लिए बेहतर स्कूल ढूंढ रहे हैं? क्या आप जी और नीट की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हाँ, अब 10th के बाद 12th में अच्छी पढ़ाई और तैयारी की टेंशन होगी खत्म, क्योंकि गोड्डा के मोहनपुर सेंट माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल में अब 11th और 12th का एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अब आपको 10th के बाद नहीं जाना होगा दूसरे शहर, क्योंकि सेंट माइकल स्कूल तीनों स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में एडमिशन ले रही है। साथ ही यहाँ है अनुभवी शिक्षक और साथ साथ प्रैक्टिकल की तमाम सुविधाएं, और लड़के और लड़कियों के लिए है सेपरेट हॉस्टल, जिसकी मदद से आप जी और नीट करेंगे क्वालिफाई। तो अब क्यों जाना दूसरे शहर? नामांकन जारी है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।